हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, एंड वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। और मैं मिल रहा हूं आपको एक बार फिर से लेक्चर नंबर 4 के साथ इंटीग्रेशन। इस समय जो सीरीज अपनी चल रही है वो चल रही है क्लास 12th की, आपको दिख ही रहा है। और एक बार बच्चों, फिर से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा एक, कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड है जिनको नीड है, क्लास 12th अच्छे से नहीं गुजर रहा है, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है साउथ सिटी पीसीएमबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर बायो स्ट्रीम के हैं तो बायो, सब कुछ आपको यहीं पर मिल रहा है, बेस्ट फैकल्टी से मिल रहा है। और बोर्ड्स को लेकर के ही टारगेट कर रहे हैं हम लोग, केवल बोर्ड्स में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जितने पीवाईक्यू रहते हैं, वो सब कुछ आपको यहीं पर कराए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डेफिनेटली आप मान के चलिए आपको हो सकता है क्लासरूम में मिल जाए अपने, या आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम के पेपर में मिल जाए। आपको बस करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा सबसे पहले। और अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको शेयर जरूर करें। और लाइक सब तक आपने कर ही दिया, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, और हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, तो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या बायोलॉजी का हो। बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, और जो आपकी रेफरेंस बुक है उसका आप स्टेप बाय स्टेप यूज करते रहे, जैसा हम लोग आपको बताते रहे, इंडिकेट करते रहे। तो चलिए, आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, है तो इंटीग्रेशन ही। और उसमें भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ज्यादा डिस्क्राइब करूं, तो यह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो चलिए पहले तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बिल्कुल लास्ट में इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दी जरूर थी, लेकिन एक बार मैं फिर से डिटेल देता हूं। अरे, यहां पर लीनियर वाले केस आपको नहीं मिलेंगे, देखने को यहां पर कुछ स्पेशल तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आगे मिल जाए। देखने को मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर whole upon x dx। अच्छा, यहाँ पर t लेट करना पड़ता है, तो t किसको लेट करेंगे, ये देखिए v let t to those function whose differentiation is given in question. We let t to those function whose differentiation is given in question. हम ऐसे function को delete करते हैं जिसका differentiation question में दिया गया। हाँ, कई बार हो सकता है आप गलत लेट कर लें, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अमेंडमेंट कर लीजिएगा उसमें। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन में एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे यहाँ पर, जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में दिखे। अब जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वन मिलेगा, तो वन आप लिख तो लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स नहीं हटा पाएंगे। हाँ, एक बात और जो कि बहुत जरूरी, जो आपको समझ लेनी चाहिए, अगर आपने एक बार x को t लेट कर लिया तो फिर पूरा का पूरा फंक्शन, कंप्लीट क्वेश्चन आपका t के ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर t के फॉर्म में नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग लेट करते हैं, किसको t लेट करना है। यहां पर हम लोग लेट करेंगे t log x को, log x = t।
का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू में हो जाएगा dt by dx, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, या dx अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। तो dx अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, dt। तो dx अपॉन x आप समझिए क्या हो जाएगा, dt इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। और t स्क्वायर की अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाय 3, t क्यूब बाय 3 प्लस का c। अच्छा t की वैल्यू है क्या, log x, t हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस का c, यही आंसर आ जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। चलिए आते हैं आगे के पार्ट में, अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना कि t हम लोग उसको लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखे। तो आप देखो x क्यूब को लेट करोगे मान लो तो 3x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में। हाँ लेकिन अगर फायदे की बात करी जाए तो अगर मैं x की पावर 4 को इंक्लूड करूं तो 4x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब तो मिल रहा है ना, 4 की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाता है। एक बात तो ये रहेगी दिख गया, एक बात मैं और कहूं, जैसे कि 1 2 3 -2 -3 -4 ए बी सी डी इस तरीके के अगर टर्म आपको इंडिविजुअल कहीं अलग से दिखते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया करें टी लेट करने में। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। यहां पर हम लोग लेट करेंगे 1 + x टू द पावर 4 = t, 1 + x टू द पावर 4 = t डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 x टू द पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा dt / dx, x क्यूब dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 dt, x क्यूब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 dt। तो x क्यूब dx की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 इंटीग्रल, यही आ गया, इसको लिख देंगे t, t टू द पावर 3 dt और x की पावर n के तरीके से आप इसको ट्रीट करें, t टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस का c, t टू द पावर 4 अपॉन 4 इनटू 4 आ जाएगा 16 प्लस का c। t की वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x टू द पावर 4 to the whole power 4 upon 16 plus plus c, 1 plus x to the power 4 to the whole power 4 upon 16 plus का c। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन इसमें t किसको लेट करेंगे, तो इसमें t हम लोग इस चीज को लेट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस चीज को t लेट कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करें x स्क्वायर का 2x, 4 x का 1 प्लस 3, 3 का हो जाएगा 0 इक्वल टू में आया dt / dx, तो ये आ जाएगा हमारा 2x plus 4 dx equal to dt, 2x plus 4 dx equal to dt, तो ये आ जाएगा under root t dt, under root t dt। और t की वैल्यू है क्या, ये x square plus 4x plus 3, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करो, t की पावर 1 by 2 क्या हो जाएगा 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus का c, 2 by 3 t की पावर 3 by 2 plus का c, 2 by 3 t की वैल्यू कितनी है, x square plus 4x plus 3 whole power 3 by 2 plus का c, नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन ये है,
इंटीग्रल x x स्क्वायर प्लस 3 टू द होल पावर 3 बाय 2, इसको देखो कैसे करते हो। यहां पर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू p, डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर का 2x, 3 का 0 इक्वल टू dt बाय dx। तो x और dx की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 2 dt, x dx की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 dt। तो इंटीग्रल t टू द पावर 3 बाय 2 dt, और t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो t टू द पावर हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस प्लस 3। तो 3 बाय 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 बाय 2। 5 बाय 2 को हम लोग लिख देंगे 2 बाय 5, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t होल पावर 5 बाय 2 प्लस प्लस 3, 2 अपॉन 5। t की वैल्यू है कितनी, x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 5 अपॉन 2 प्लस प्लस c। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ये देखो, इसको कैसे करेंगे ट्राई। इंटीग्रल 4x प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 dx, 4x प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 इक्वल टू t। जिसको भी t लेट करेंगे उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा 4x, x का हो जाएगा 1, 7 का 0 इक्वल टू dt बाय dx। तो हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, 4x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो 4x प्लस 1 की जगह हो जाएगा dt होल अपॉन अंडर रूट t टू द पावर आ जाएगा 1 बाय 2 dt, t टू द पावर 1 बाय 2 dt माइनस का होगी क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा, t की पावर माइनस का 1 बाय 2 dt, और t की पावर माइनस 1 बाय 2 है तो x की पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस का c। तो माइनस का 1 बाय 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, और ये भी 1 बाय 2, तो 2 अंडर रूट t प्लस का c। t की वैल्यू कितनी आएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, तो 2 इनटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 की होल पावर 1 बाय 2 प्लस का c आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कुछ इस तरीके से, अब इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 3x प्लस 1 और यहां पे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5 टू द होल क्यूब। जैसे मान लीजिए अगर आपने 3x प्लस 1 को t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। लेकिन अगर आप 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को t लेट करते हैं तो हो सकता है कुछ फायदा नहीं करते, पर लेट करने में क्या जाता है, लेट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करिए, 6x प्लस 2 इक्वल dt बाय dx, 2 कॉमन कर लें, 3x प्लस 1 इक्वल dt बाय dx, तो 3x प्लस 1 इक्वल 3x प्लस 1 dx इक्वल
1 by 2 dt, 3x plus 1 dx equal 1 by 2 dt, जरा इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो 3x square plus 2x minus 5 को t ऐड करें, 3x plus 1 हो जाएगा 1 upon 2 dt, whole upon t cube, 1 upon 2, ये हो जाएगा t to the power minus 3, dt, 1 upon 2, t cube power minus 3 plus 1 upon, माइनस थ्री प्लस वन प्लस का सी, माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस का टू, और टू इंटू माइनस का टू हो जाएगा माइनस का वन बाई फोर, और टी की पावर आएगा माइनस का टू प्लस का सी, तो माइनस का वन अपॉन फोर टी स्क्वायर प्लस का सी। अच्छा टी की वैल्यू है क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, तो माइनस वन अपॉन फोर 3x square plus 2x minus का 5 whole square plus का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल ही आपको दिख रहा होगा कि c को t ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ फायदा है। अच्छा एक चीज और, इसमें आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और ये देखने को मिलेगा आपको 2x plus 1 root over x square plus x minus का 3 dx। इसको टिलेट करें, x square plus x minus 3 equal to t, डिफरेंशिएशन करें तो x square का हो जाएगा 2x, x का 1 3 का 0 equal to में क्या आएगा dt by dx, तो 2x plus 1 dx की वैल्यू हो जाएगी dt, 2x plus 1 dx वैल्यू क्या आ जाएगी dt, और 2x plus 1 तो दिख ही रहा है आपको ये, और साथ में dx भी दिख रहा है ये, तो 2x plus 1 और dx दोनों के केस में क्या आ जाएगा dt, तो 2 इसकी वैल्यू है t, यानी कि अंडर रूट t dt, तो 2 t की पावर 1 by 2 dt, तो 2 ये हो जाएगा t की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus का c, 2 t की पावर 3 by 2 upon 3 by 2 plus का c, ये ऊपर चला जाएगा 4 by 3, t की वैल्यू कितनी है, x square plus x minus 3 whole power 3 by 2 plus का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। e to the power x है और साथ में ये लिखा है a plus b e to the power x to the whole power 6, इसको देखिए कैसे करेंगे, यहां पर आप t ऐड कर लो a plus b e to the power x को, a plus b e to the power x equal to t। अच्छा जिसको भी t ऐड करेंगे उसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जरा डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, तो a का डेरिवेटिव तो 0, b e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x equal to dt by dx, यानी कि e to the power x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 upon b dt, e to the power x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 upon b dt, तो e to the power x और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 upon b dt, 1 upon b integration t to the power 6 dt, 1 upon b t to the power 7 upon 7 plus का c, 1 upon 7 b। अच्छा b t की वैल्यू कितनी है, a x a plus b e to the power x whole power 7 upon 7 plus का c। अच्छा 7 मैंने लिख दिया है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये तो फॉर्मूले की वजह से आए हो, और एक नोट रुक जाना बेटा, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, जो सेकंड वाला मैंने 7 लगाया है ये नहीं आएगा,
वन अपॉन सेवन बी और टी की वैल्यू होगी, यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि ये है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, डू योर सेल्फ। मैं थोड़ी सी हेल्प तो कर दूं, यहां पर 3 प्लस लॉग एक्स को टी लेट करेंगे, जैसे ही आप टी लेट करेंगे तो 3 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें क्या करना चाहिए, पहले तो 3 को आउटसाइड ले लो, 3 आउटसाइड आ गया, इंटीग्रल x प्लस 1 होल अपॉन x इनटू x प्लस log x का होल स्क्वायर dx, x प्लस log x को डिलीट कर लिया जाए, x प्लस log x इक्वल टू t, x का 1 log x का 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाय dx, 1 का 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अरे ये तो फिर से मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मतलब एक ही बार तो करना है, दो बार नहीं करना। 1 और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, जरा इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स डीएक्स इक्वल डीटी, एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीटी। और इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख ही रहा है ना क्वेश्चन में, एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स डीएक्स तो दिख ही रहा है ना डीटी में, तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल टी स्क्वायर डीटी, और टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा टी टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का सी, और t की वैल्यू रख दो x प्लस log x, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4 x प्लस log x टू द होल पावर 4 प्लस का c, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें आप ये लेट करिए कि t किसको लेट करना चाहिए, जैसे आपने 1 प्लस x स्क्वायर को डिलीट किया तो 1 अपॉन सॉरी 1 प्लस x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 2x, वो अपने काम का नहीं, क्योंकि 2x यहां पे दिख नहीं रहा है। हां लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप tan इनवर्स x को डिलीट करो तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो tan इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो चलिए tan इनवर्स x को डिलीट कर लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू t, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt by dx, तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, तो ये हो जाएगा t dt, t का हो जाएगा t स्क्वायर by 2 प्लस का c, और t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर by 2 प्लस का सी। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर by 2 प्लस का सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin इनवर्स 2x होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, तो यहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे sin इनवर्स 2x को, sin इनवर्स 2x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल dt by dx, और 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी dt, यानी कि 1 अपॉन
इज इक्वल 1/2 dt. तो 1/√1 − 4x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 dt. 1/2 कांस्टेंट के तौर पे हमारा बाहर आ जाएगा, t³ dt. और t³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t⁴ / 4 + c. t आएगा 1/8 और t की वैल्यू कितनी है, sin⁻²x. तो sin⁻²x 2⁴ + का c, नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin⁸ × cos⁵dx, इसमें किसको t रेट करना चाहिए? देखिए sin x भी cos x भी, अगर आप sin x को रेट करोगे तो cos x आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर आपको जो बाकी के cos है उनको भी sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें और बढ़ जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। हालांकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं तो अगर आप यहां पे मान लीजिए cos x को t रेट करते हैं, cos x = t, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x = dt/dx। तो sin x into dx ये हो जाएगा माइनस ऑफ dt, sin x into dx वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ dt। तो sin x dx वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, आउटसाइड आ जाएगा t⁵ dt माइनस, ये हो जाएगा t⁵ × 6 + c −1/6। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x √6 + c, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बड़ी सीरीज लाए हैं आपके लिए, यहां पे देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। फिर से वही चीज घूम फिर के आई कि यहां पे t किसको रेट किया जाए। देखिए अगर आप साइन को करेंगे तो cos आ तो मिल जाएगा, लेकिन फिर जो cos स्क्वायर बचेगा उसको sin² में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ी सी चीजें बढ़ जाएंगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको cos को t ले लेना चाहिए, यानी कि cos ax + b = t। अच्छा, जिसको भी आप t रेट करेंगे उसका क्या किया करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, जरा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, एक बार चेक कर लेते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन है उसमें माइनस लगाया है हम लोगों ने कि नहीं लगाया, हाँ लगाया था, ठीक है। तो sin ax + b और ax + b का जब फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा और ये आ जाएगा dt/dx। तो sin x sin ax + b dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, −1/a dt। यानी कि अगर आप इस चीज पे ध्यान दें, sin ax + b और dx, sin ax + b dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, −1/a dt। इसको −1/a dt कर लो, −1/a cos, cos को लिखा है मैंने t, तो t का cube dt −1/a, ये हो जाएगा t⁴ / 4 + c −1/a। t की वैल्यू कितनी है, cos ax + b, तो cos ax + b √4/4 + c −1/4a, यह है cos ax + b √4 प्लस का सी, यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, tan²x। मैंने बताया था आपको tan²x का खुद का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको चीजें
चीजें बदलनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखना इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेशल है ये। पहला स्टेप तो ये करना है आपको, जो tan स्क्वायर की पावर 4x इसको दो बार लिखेंगे, tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर x। अच्छा ये वाला जो tan स्क्वायर x इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x माइनस का dx, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। अच्छा यहां वाले को करने का तरीका अलग, चलो इसको लिख लेते हैं पहले, tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx माइनस, इसका खुद का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx, sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो tan स्क्वायर x है यानी कि tan x, इस tan x को आप लेट कर दो t, tan x को लेट किया मैंने t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह आ जाएगा dt, t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेट sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx, t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस का x प्लस का c। t की वैल्यू क्या है, tan x, tan क्यूब x बाई 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इतने स्पेशल आएंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तभी आपको ये आएंगे। और जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो, मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर कोई बुक का मैं नेम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो आपको जो भी रेफरेंस बुक आपकी अच्छी हो, जो आपको ठीक लग रही हो, जो आपके पास हो, आप उसको ही सॉल्व करें। हाँ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन उसमें भी नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिए, हमारी टेक्निकल टीम उसको कंसीडर करेगी और हमारे पास आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन भी उसका मिल जाए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। tan टू द पावर 4x, अब मैं इसको थोड़ा सा करूंगा फिर आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको ट्राई करना चाहिए कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो cot स्क्वायर x into cot स्क्वायर x dx ये वाला जो पार्ट है cot स्क्वायर x का, इसको क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और cosec स्क्वायर x माइनस 1 को लिख दें अलग अलग कर दें, cot स्क्वायर x इनटू cosec स्क्वायर x dx माइनस cot स्क्वायर x dx। अच्छा अब यहाँ पे तो cot x को डिलीट करेंगे, cosec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। हाँ लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, यानी कि cot स्क्वायर x into cosec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और अब आप इंटीग्रेट कर ही लेंगे इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें एक बार ट्राई करिए कि इसमें किसको लेट करना चाहिए, टी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आप देखो तो इसको टी अगर आप लेट करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, एक्स प्लस लॉग sec x equal to t, x का 1 log sec x का हो जाएगा 1 upon sec x, और sec x का हो जाएगा sec x into tan x equal dt by dx। तो क्या काम हो जाएगा यहां पर देखो,
सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस टैन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि बनेगा 1 प्लस टैन एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा डी टी, अपॉन में नीचे आएगा टी, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस का सी। लॉग टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स प्लस लॉग sec x प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को इंटीग्रेशन ये टॉपिक हम लोग कर पा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बस थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और आप जान रहे हैं कि मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, उस प्लेटफॉर्म का नेम है साउथ चटी पीसीएमबी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर प्लस लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल याद रखें प्यार से, ठीक है? तो इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि तभी हम लोग मोटिवेट होंगे और नई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वेट करिएगा, इंतजार करना अच्छी बात है और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो बाय बाय, ध्यान रखिए।